हरियाणा बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। 21 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पार्टी ने कर दी है, लेकिन दो सीटें अभी भी होल्ड पर हैं। एक है महेंद्रगढ़ सीट, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। महेंद्रगढ़ सीट पर महाभारत छिड़ गई है बीजेपी के अंदर ही, क्योंकि ये सीट हाई प्रोफाइल सीट है। रामविलास शर्मा यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, चुनाव जीतते रहे हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में 2014 में जब वो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष थे तो बीजेपी 47 सीटों को जीतकर सत्ता में आई थी। बड़े भारी बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में लौटी थी, और इसके साथ ही आज जो हालात वहां पर हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से रामविलास शर्मा के अलावा भी इस बार बहुत सारे दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में इस सीट को होल्ड करना कहीं ना कहीं संकेत है कि या तो पार्टी के अंदर जो बगावत उठने की बू आ रही है उसको पार्टी खत्म करना चाहती है, या फिर रामविलास शर्मा का टिकट काटा जा रहा है। ऐसे में रामविलास शर्मा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। रामविलास शर्मा ने ऐलान यह किया है कि कल 11 सितंबर को, नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले, 11 तारीख को 1:15 पर वो महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा पहले से ही एक और प्रबल दावेदार टिकट के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैलाश चंद शर्मा पहले से ही नामांकन इस सीट से कर चुके हैं, वो भी इस दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट उनको ही मिलेगा। महेंद्रगढ़ सीट से नामांकन उनका भी हो चुका है, और इस सीट से रामविलास शर्मा ने भी ऐलान कर दिया है कि वो कल अपना नामांकन करेंगे। ऐसे में देखना यह होगा कि पार्टी किसे अपना टिकट देगी। आरएसएस की तरफ से भी इस बार यहां पर पुरजोर कोशिश की जा रही है कि आरएसएस की तरफ से किसी को यहां से टिकट दिया जाए। ऐसे में देखना लाजमी है कि यहां पर पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाते। फिलहाल तो महेंद्रगढ़ सीट पर इस वक्त बीजेपी के अंदर महाभारत छिड़ी हुई है। रामविलास शर्मा पहले भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके थे, जब पहली सूची आई थी 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था तो उस सीट में, उन नामों में भी उस लिस्ट में नाम नहीं था, तब तलख तेवर दिखाए थे। उसके बाद जब दूसरी सूची आई तब भी उनको निराशा ही हाथ लगी। अब आखिरकार उनको फैसला करना पड़ा, ये ऐलान करना पड़ा कि वो कल नामांकन करेंगे। लेकिन नामांकन क्या बीजेपी की टिकट लेकर वो करेंगे, या फिर आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रण में उतरेंगे। बहुत दिलचस्प इस बार महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी के अंदर मुकाबला देखने को मिल रहा है।